वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इस लेक्चर में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीटली समझ जाएंगे। इसके तहत हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसको पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज दो ही हैं, तो इनका यूज पढ़ना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर निगेटिव में है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यूज क्या होता है, इसे देखेंगे। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो स्ट्रक्चर यूज समझेंगे। इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस तो होता नहीं है, मैंने खुद से किया है। इंट्रोगेटिव में निगेटिव नॉट रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर और यूज कैसे करते हैं इसे देखेंगे। और WH क्वेश्चंस में, जो WH क्वेश्चंस जब यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर यूज क्या होता है ये पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। डेफिनेशन डेफिनेशन में आप इतना ध्यान रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो काम हम नियमित रूप से करते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमारा रूटीन है, यह सब हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और वह सब प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है। सिंपल सा डेफिनेशन याद रखिए, जो काम रेगुलरली करते हैं, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमारा रूटीन है, वह सब। जैसे शी विजिट्स चेन्नई ऑफन, वह प्रायः चेन्नई विजिट करती है। अभी मैं इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम एंड टेंस होगा। टाइम एंड टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम एंड टेंस से पहले टाइम एंड टेंस को समझाने के लिए छोटा सा लेक्चर आपके सामने आएगा, उसके बाद आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम एंड टेंस। तो उसमें आप एक ट्रिक पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स होते हैं जो अगर सेंटेंस में हो तो उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखना होता है। जैसे ऑफन, ऑफन मतलब प्राय, अगर ऑफन दिया हुआ है, इसे ऑफ्टेन नहीं पढ़ते, इसे ऑफन पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो वहां से भी, और साथ में चेन्नई विजिट करती है, यह रूटीन है, रेगुलरली करती है, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस डाल दिया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब व्यापी सत्य है, तो इसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना ही लिखना है। अभी कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो तो आगे समझेंगे। रीमा स्लीप्स लेट, रीमा लेट से सोती है, यह रीमा की आदत है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। राम एंड मोहन लाइक डॉग्स, राम और मोहन डॉग्स को पसंद करते हैं, ये उनका नेचर है। नेचर को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं, नेचर मतलब स्वभाव। तो हम टाइम एंड टेंस में सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या दिखलाते हैं, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि जो रेगुलरली काम करते हैं, यथार्थ जो रूटीन होती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो हमारा नेचर होता है, यह सब दिखाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जितना एग्जाम्पल लिखा, चारों सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। नाउ आवर जॉब स्टार्ट्स। पहला है आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, हिंदी में पहचान करना। हिंदी में सेंटेंस अगर लिखा रहेगा तो उसके क्रिया के, ध्यान रखिए, क्रिया के अंत में रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, क्रिया के अंत में। जैसे यह छाता है, यहां पे क्रिया नहीं है, नाउन है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना है क्रिया के अंत में, लिखता है, देखिए यहां पे यह कहलाएगा, तो क्रिया के अंत में होना चाहिए। ता है, ती है, आप सबको याद होगा, ते है, ते हो, ता हूं, अगर नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल पहचानने में बहुत हेल्प करेगा, हिंदी में पहचानने में। हाँ, अब राम पत्र लिखता है, सीता पत्र लिखती है, वे लोग पत्र लिखते हैं, तुम पत्र लिखते हो, मैं पत्र लिखता हूँ, सब में देखिए ता है, इधर इधर ते हो, ते हैं, ती है, ता है, जितना था इधर सबका सीक्वेंस में सेंटेंस दिया। अब इनका इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश मिलेगा आपको, यही हम इन्हीं पांचों सेंटेंसेस का यूज बार बार करेंगे, इंग्लिश भी मिलेगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल आइडेंटिफिकेशन फिनिश होता है। अगर आप देखेंगे हिंदी में सेंटेंस रहेगा, अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, तो जरूर ही वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, स्ट्रक्चर की हिंदी होती है बनावट। बनावट क्या होता है,
तो जो पांच सेंटेंस थे वही पांच सेंटेंस यहाँ पे मैंने कॉपी और पेस्ट किया है। तो पांचों सेंटेंस मतलब इनका बनावट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव और ए ऑब्जेक्ट। ये वर्ब वन वर्ब फाइव समझाता हूँ सबसे पहले आपको। एक वर्ब जो लिखता है इसी को यूज करते हैं, लिखना का आप जानते हैं राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म भी आप जानते हैं रोट, थर्ड फॉर्म भी आप जानते हैं रिटेन, फोर्थ फॉर्म आप जानते हैं जब इसमें आई एन जी लगा देते हैं, और फिफ्थ फॉर्म भी आप जानते हैं जब इसमें एस चाहे एस लगा देते हैं। तो यह सब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पांच फॉर्म है एक वर्ब का। अब आप ध्यान रखेंगे कि यह वी वन है और लास्ट वाला वी फाइव है, तो जो नॉर्मल यूज होते हैं वर्ब्स उनका फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। राइट का हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो अब क्या करते हैं, आप सिंटेक्स का रूल पढ़े हैं थोड़ा सा, अगर आपको ध्यान होगा तो पहले इसका एक का मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। राम पत्र लिखता है, राम, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन हम इसे कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। राम राइट्स अ लेटर। दूसरा भी कर देता हूं, वे लोग पत्र लिखते हैं, दे राइट अ लेटर। अब देखिए इधर जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पहले वाला में जो वर्ब है वर्ब फाइव है, दूसरे वाला में वर्ब है वर्ब वन है। क्यों पहले में वर्ब फाइव क्यों किया, दूसरे में वर्ब वन क्यों किया, कारण है आप ध्यान रख लीजिए कि वर्ब फाइव जो भी होता है वह सिंगुलर होता है, सिंगुलर, और वर्ब वन यह हमेशा ही प्लुरल माना जाता है। अलग है राइट जो वर्ब है इसका सिंगुलर क्या हुआ, राइट्स, ये क्या है वर्ब है। अगर यही नाउन कोई होता, नाउन मैंगो होता, मैंगो, तो मैंगोज जो होता यह उल्टा होता, कैसे होता, मैंगोज प्लुरल होता और मैंगो सिंगुलर होता। तो याद रखने की कोशिश करिए कि वर्ब जो बेस फॉर्म में होता है जिसमें कुछ नहीं लगाए रहते हैं वह प्लुरल होता है, और उसका उल्टा नाउन होता है। नाउन जब बेस फॉर्म में होता है जिसमें कुछ लगाए नहीं रहते हैं वो सिंगुलर होता है। तो दो तरह से याद रख सकते हैं, एक तो कि वी वन को प्लुरल माना गया है, वी फाइव को सिंगुलर माना गया है, और दूसरा ये वर्ब और नाउन का जो नियम है इसके तहत दोनों में से कोई एक रखना है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे जितना समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा, तो याद रखिए। अब राम क्या है, सिंगुलर है, आप जानते हैं सिंटेक्स के रूल में सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब को सिंगुलर होना है, राम सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब तो वर्ब फाइव ही होगा ना, इसलिए राइट्स होता है। दे क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब क्या आएगा, प्लुरल, तो वर्ब वन आएगा, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद वी वन या वी फाइव लिखा है। क्यों, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वी फाइव, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल रहेगा तो वी वन का प्रयोग करना है, और बाद में ऑब्जेक्ट तो लिखना ही लिखना है, जैसे कि अ लेटर, चाहे यहाँ पे दे है तो दे तो एक नहीं लिखेंगे, लेटर्स, यहाँ पे लेटर्स है, आप समझ सकते हैं। ऐसे ही सीता पत्र लिखती है, तो सीता हो गया, अब सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब करेंगे राइट्स, और फिर और लेटर आ जाएगा। तुम पत्र लिखते हो, यू, यू को प्लुरल मानता है तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा और ए लेटर कर देंगे। मैं पत्र लिखता हूँ, आई भी प्लुरल माना जाता है इसलिए आई के साथ प्लुरल वर्ब, आई राइट अ लेटर। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि V1 प्लुरल माना जाता है और V5 सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए उसी के अनुसार यूज करेंगे हम। दूसरी बात जो सबसे अधिक ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जितने पांचों सेंटेंस देखा ना, इधर कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिखा नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा है, इसका हेल्पिंग वर्ब था डू और डज, ये ध्यान रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इसका होता है हेल्पिंग वर्ब डिड, जो कि हर जगह नहीं होता है, और ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी हेल्पिंग वर्ब हर जगह नहीं होता है, इसका दो है हेल्पिंग वर्ब डू और डज।
नाउ कम्स डू और डज। कहानी शुरू कर दी है हमने कि कब करेंगे डू, कब करेंगे डज, वही वही राइट का फॉर्म से। वी वन हो गया डू, वी टू हो गया डिड, वी थ्री हो गया डन, वी फोर हो गया डूइंग और वी फाइव क्या हो जाएगा यस डज। तो वी वन क्या होगा, यह होगा प्लुरल और वी फाइव क्या होगा, यह होगा सिंगुलर। जिस तरह से आपने यहां देखा है राइट प्लुरल और राइट सिंगुलर ऐसे ही। तो अब कब लगाएंगे डू, अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो आप डू लगाएंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आप डज लगाएंगे। वही लिखा है डू इज यूज्ड विद प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू, वेयर एज जबकि डज इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है और अभी हम प्रयोग भी करेंगे। देखिए निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नहीं होता है, सेंटेंस के अंदर नहीं शब्द रहेगा निगेटिव सेंटेंस होता है। तो जो स्ट्रक्चर अपना मेन है जो हमने पढ़ा वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर था। लेकिन निगेटिव जब आ जाएगा तो आपको इतना जानकारी जरूर है कि नोट लगाते हैं हम तो सदा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, ये आपको पता है कि नोट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो इसका डू डज है जो पिछले स्लाइड में देखा था उसको हम लाएंगे स्ट्रक्चर में और फिर नोट ला देंगे। और एक और चीज ध्यान रखिए कि जब सेंटेंस में डू या डज आ जाएगा, रिपीट कर रहा हूं, जब सेंटेंस में डू या डज आ जाएगा तो हमेशा ही उसमें वी वन का प्रयोग करना होगा हमें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा हमेशा ही वी वन में होगा। देखते हैं ना, राम पत्र नहीं लिखता है, पहले नहीं को थोड़ी देर के लिए काट देते हैं, मान लिया कि नहीं नहीं है, राम पत्र लिखता है। तो क्या आपने बनाया था पिछले स्लाइड में, राम राइट्स अ लेटर, यही हमने बनाया था पिछले स्लाइड में। अब क्या है, नहीं आ गया, इसको अब सही कर लेते हैं। नहीं आ गया तो क्या करेंगे, डू या डज को सामने लाएंगे। अब राम सिंगुलर है तो डू होगा कि डज, आपने देखा ना कि डू प्लुरल डज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, यहाँ पे डज हो जाएगा राम डज। और फिर नहीं आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, ये आप जानते हैं और स्ट्रक्चर भी है, तो राम डज नॉट। अब जो बात रिपीट किया कि डू या डज अगर सेंटेंस में आ जाए तो वी वन ही होना है, तो यहाँ पे एस जो है ये गायब हो जाएंगे, तो होगा राम डज नॉट राइट अ लेटर। दूसरा बना लेते हैं, सीता पत्र नहीं लिखती है, सेम होगा, सीता डज आ जाएगा सिंगुलर है, नॉट राइट अ लेटर ऐसे। वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, दे, दे प्लुरल है तो डू आएगा और फिर नॉट आएगा राइट, अब दे है तो यहाँ पे लेटर्स करना पड़ेगा, लेटर्स, क्योंकि वे लोग एक पत्र थोड़ी लिखेंगे। फिर तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू क्या है प्लुरल, तो यहाँ पे डू आएगा, नॉट तो रहेगा ही, राइट अ लेटर। फिर मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई को भी प्लुरल माना जाता है। तो आपने क्या देखा अभी, अभी देखा कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में डू डज और नॉट को जोड़ना पड़ता है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें, और जब डू डज जोड़ देते हैं तो वी वन रखते हैं, वी फाइव नहीं होता है। अब नेगेटिव के साथ आएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहेगा, देखिए हर जगह क्वेश्चन मार्क है, पांचों में पांचों वही सेंटेंस है। अब क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव करना है, जैसे नॉर्मल क्या था, राम पत्र लिखता है, लिखता है,
अब यहाँ पे इधर क्या आएगा, शुरू में जब क्या आ जाएगा तो आप सारे टेंसेस के लिए सीख लीजिए, जो निगेटिव था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं सारे टेंसेस के लिए लागू होता है। तो अब भले ही हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अगर शुरू में ही क्या रहेगा, सेंटेंस के शुरू में ही क्या रहेगा, तो उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब से उस क्या का मतलब आ जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ता है। तो आप राम पत्र लिखता है तो आप जानते हैं इसका सिंपल बनता है राम राइट्स और लेटर, ये सिंपल बनता है जो ऊपर लिखा है मैंने। अब यहाँ पे क्या है, तो स्ट्रक्चर है डू डज को पहले करना फिर सब्जेक्ट करना, और मैं बार बार बता दिया कि डू डज का जब प्रयोग करेंगे सेंटेंस में तो वी वन ही करेंगे, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो अब क्या है, तो आपको डू डज में से बाहर निकलना है। तो राम के साथ डज का प्रयोग होता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर का प्रयोग होता है, तो यहाँ डज पहले आ जाएगा, डज राम। अब यहाँ पर राइट्स है, कहा है ना कि डू डज का प्रयोग कर लेंगे तो सिंगुलर ही रखेंगे, सॉरी सिंगुलर नहीं बी वन ही रखेंगे, तो बी वन हो गया राइट्स, और लेटर और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। क्या सीता पत्र लिखती है, तो क्या था नॉर्मल में, सीता पत्र लिखती है सीता राइट्स और लेटर, तो इसका हम क्या करेंगे, फिर सीता भी सिंगुलर है तो डज आएगा, सीता और हटा देंगे और बाकी सब वैसे ही रखेंगे। क्या वे पत्र लिखते हैं, तो डू दे राइट लेटर्स, क्या तुम पत्र लिखते हो, डू यू राइट और लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूँ, डू आई राइट अ लेटर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में जो हिंदी में क्या आता है उसका, उसके लिए स्ट्रक्चर हमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है। इंट्रोगेटिव के बाद कहानी में दोनों को मिक्स किया हमने, इंट्रोगेटिव और निगेटिव को, इंट्रोगेटिव भी रहेगा निगेटिव भी रहेगा, शुरू में क्या भी रहेगा और बीच में नहीं भी रहेगा। अब कैसे करेंगे, तो पहले क्या की कहानी करते हैं, क्या क्या हुआ, राम पत्र नहीं लिखता है, सॉरी क्या राम पत्र लिखता है, इसको नहीं को कुछ देर के लिए मान लिया कि नहीं है, तो यहाँ पे डज होगा शुरू में, राम राइट अ लेटर, उसके पहले नॉर्मल सेंटेंस, राम पत्र लिखता है, क्या होगा, राम राइट सिंगुलर तो सिंगुलर और लेटर, ये लिखा, तो राम पत्र लिखता है। अब यहाँ क्या पे आ गया, तो डज आ जाएगा राम, और यहाँ पे सिंगुलर सॉरी यहाँ पे एस हट जाएगा तो राइट और लेटर इतना ही हो जाएगा। अब नॉट जब रहेगा तो आपने निगेटिव में क्या देखा, निगेटिव में देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं हर जगह ना, डज नॉट डू नॉट डू नॉट, यहाँ भी डू नॉट। अब इधर तो नॉट लगाना है, अब हेल्पिंग वर्ब तो इधर है, अब कहाँ लगाएं, तो हम क्या करेंगे, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव जैसा बना लिया हमने, और नॉट को हम लगाएंगे वर्ब के पहले। अगर हमें इसे निगेटिव बनाना होता खाली, तो राम डज नॉट, हाँ ठीक है लिखी देता हूं, राइट अ लेटर फुल स्टॉप। तो अब जब इंट्रोगेटिव बना तो डज को बाहर निकालेंगे, डज को बाहर निकाल दिया यहां पे कर दिया, और जो बचा है उसी सीक्वेंस में रखना होता है, तो राम नॉट राइट अ लेटर। तो दो तरीके से याद करेंगे नॉट का पोजीशन, एक जो निगेटिव बनाकर देखा कि डज को बाहर निकल कर सबको वैसे छोड़ देते हैं, दूसरा कि वर्ब के पहले नॉट लगाते हैं, लगा दिया वर्ब के पहले नॉट, मेन वर्ब के पहले। नाउ क्या सीता पत्र नहीं लिखती है, तो डज पहले आ जाएगा फिर सीता, प्रमोन बनाइए डज सीता नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं, तो इनके साथ डू आता है, डू दे नॉट राइट
और यहाँ पे लेटर्स रहेगा, इनके साथ लेटर्स करना पड़ेगा। क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? तो डू यू नॉट राइट अ लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? तो फिर यहाँ डू आई और सब रिपीट हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा अभी इंडोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अभी कहानी एक और बची है, वह है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का। देखिए पहले बताता हूँ, जो स्ट्राइक थ्रू किया हूँ, जो काटा हूँ, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। हम इन सब का यूज करेंगे, व्हाट हु व्हाई वेयर हाउ व्हेन, सब आप हिंदी तो जानते ही होंगे, लेकिन डब्ल्यू एच क्वेश्चंस में विच हुज हुम ये भी आते हैं। डब्ल्यू एच क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनमें ना डब्ल्यू एच रहता है। डब्ल्यू एच देखिए, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इसमें डब्ल्यू और एच, लेकिन डब्ल्यू एच है जरूर, तो इनको डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है डब्ल्यू एच होता है? तो जैसे आपने क्या देखा इंट्रोगेटिव में, आपने इंट्रोगेटिव में देखा था यहाँ पे कि शुरू में क्या आता है, क्या यहाँ पे क्या 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 क्या, एक सेंटेंस बनाता हूं, राम क्यों पत्र लिखता है बताइए। जब क्या राम पत्र लिखता है, क्वेश्चन मार्क है, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क है, तो आपको लगता है ना कि इसका भी ट्रांसलेशन होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा यहाँ पे डब्ल्यू एच में, डब्ल्यू एच में ट्रांसलेशन करेंगे हम इसका। इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को लिखते हैं, फिर डू डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, डू डज आ गया तो वी वन ही रहेगा, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे राम क्या लिखता है, यहाँ पे लिखा राम क्या लिखता है, तो ये होगा व्हाट, व्हाट हो गया क्या का यूज कर लिया व्हाट का, और फिर जो है इसका सब्जेक्ट वो देखिए कि सिंगुलर है कि प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो डज, तो राम सिंगुलर है तो यहाँ पे डू डज लगाना है ना सेकेंड में, तो यहाँ पे डज व्हाट डज, और फिर सब्जेक्ट क्या है राम, राम V1 ही आएगा लिखता है तो राइट, व्हाट ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, और क्वेश्चन मार्क व्हाट डज राम राइट। आप सब बिल्कुल समझ रहे होंगे। सीता कहाँ पत्र लिखती है, जिनको समझ में नहीं आएगा, जिनको दिक्कत कुछ हो तो आप, मैं कमेंट्स तो ब्लॉक कर दिया हूँ, कमेंट से थोड़ा सा हैकिंग का इशू आ रहा था इसलिए ब्लॉक कर दिया है। आप वो कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। एनीवेज राम क्या लिखता है, तो व्हाट डज राम राइट। नाउ सीता कहाँ पत्र लिखती है, तो अब क्या होगा, कहाँ है तो पहले क्या आएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, तो कहाँ का वेयर, और फिर सीता सिमुलर है तो डज, वेयर डज डज, फिर सीता ही जगह सब्जेक्ट, फिर लिखती है तो राइट, और पत्र इसमें है ऑब्जेक्ट है तो और लेटर लास्ट में रख देंगे और लेटर क्वेश्चन मार्क। वेयर डज सीता राइट अ लेटर, सीता पत्र कहाँ लिखती है, फिर वे लोग कब पत्र लिखते हैं, कब आ गया, कब का वेन, तो ये वेन वे लोग है, तो यहाँ पे डू, काफी प्रैक्टिस करना पड़ता है कब डू लगेगा कब डज लगेगा, और इंट्रोगेटिव में पहले ही डालना होता है, तो हमें ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो माइंड को ट्रेन करना पड़ता है इसके लिए, तो वेयर डू दे हो जाएगा और राइट ही रहेगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और लेटर्स हो जाएगा। नाउ तुम क्यों पत्र नहीं लिखते हो, अभी नहीं कुछ भूल जाते हैं कुछ देख ले, तुम क्यों पत्र लिखते हो, इतना को बनाते हैं, तुम क्यों पत्र लिखते हो, तो वाई डू क्योंकि तुम है, तो यू, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप हो जाएगा, जैसे मैंने मुझे अपने आप में डू आ गया, मुझे सोचना भी नहीं पड़ा था,
राइट, व्हाई डू यू राइट अ लेटर, मैं कैसे पत्र लिखता हूँ, नोट का देखते हैं अभी है। तो यहाँ पे कैसे का हाउ, हाउ डू मैं है आई, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। अब जब नोट होता है तो नोट का क्या बताया हमने कि मेन वर्ब के पहले नोट लगा दीजिए, तो नोट लगा दिया, व्हाई डू यू नॉट राइट अ लेटर, ऐसे कर देंगे, मेन वर्ब के पहले नोट लगा देंगे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या क्या देखा कि हिंदी में कैसे पहचानते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज होते हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, कैसे स्ट्रक्चर होता है कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे सेंटेंस का यूज करते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी देखा और डब्ल्यू एच क्वेश्चन का भी देखा कि कैसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले वर्ड होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।